नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। देश की राजनीति इन दिनों हिंदुत्व के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष की तकरीबन सभी पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे पर अपने कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। बस फर्क इतना है कि कोई हार्ड हिंदुत्व पर चल रहा है तो कोई सॉफ्ट हिंदुत्व पर। कांग्रेस हिंदू को हिंदुत्व से अलग बताती है जबकि बीजेपी दोनों को एक ही मानती है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत न मिलने के बाद बीजेपी वापस कट्टर हिंदुत्व की ओर लौटती नजर आ रही है। ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अलग अलग राज्यों से बीजेपी नेताओं के कुछ ऐसे बयान आए हैं जो बीजेपी को शक के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीकों को लेकर नहीं चलती बल्कि आक्रामक तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे पर खड़ी नजर आती है। राम मंदिर के मुद्दे से लेकर मथुरा और काशी तक का बीजेपी न सिर्फ अपने भाषणों में जिक्र करती है बल्कि अपने घोषणा पत्र में भी उसे शामिल करती है। बीजेपी ने हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को धार देने के लिए हिंदू धर्म के प्रतीकों का बखूबी इस्तेमाल किया है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकालकर घर घर इस मुद्दे को पहुंचाया, तो पीएम मोदी ने बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी को कॉरिडोर का निर्माण कराकर संवारा। वहीं योगी आदित्यनाथ ने यूपी को और ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इसके अलावा गाय और धर्मांतरण को भी लेकर बीजेपी हमेशा से मुखर रही है। इस तरह बीजेपी ने खुद को हिंदू परस्त पार्टी के तौर पर एस्टैब्लिश किया है जिसके चलते उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक भी मुस्लिम को विधानसभा और लोकसभा का टिकट नहीं देती। बीजेपी हार्ड हिंदुत्व विचारधारा वाले लोगों के पक्ष में मजबूती के साथ खड़ी रहती है। वहीं राजनीति के कुछ जानकार कहते हैं कि बीजेपी दूसरी पार्टियों से खुद को अलग दिखाना चाहती है, इसलिए हिंदुत्व के एजेंडे पर आक्रामक चलना उसकी मजबूरी है क्योंकि सभी दल मुस्लिम वोटों के लिए सेक्युलर पॉलिटिक्स करते हैं। ऐसे में बीजेपी ने हिंदुत्व को एक राजनीतिक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया। इसके लिए चाहे नॉर्थ में अयोध्या, मथुरा, काशी हो या फिर दक्षिण में राम सेतु। वहीं कांग्रेस ने अपने राजनीतिक एजेंडे में बड़ा बदलाव किया और बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व के जवाब में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस कई राज्यों में सॉफ्ट हिंदुत्व पर फोकस कर बीजेपी के सामने राजनीतिक चुनौतियां खड़ी कर रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मंदिरों में दर्शन और पूजन की तस्वीरें आप भूले नहीं होंगे। कांग्रेस ने 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में सॉफ्ट हिंदुत्व का इस्तेमाल किया था जिसे उसने 2024 में भी बखूबी इस्तेमाल किया। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी जहां मंदिर मंदिर जाकर माथा टेक रहे थे और पूजा अर्चना कर रहे थे, वहीं प्रियंका गांधी भी देश के अलग अलग शहरों में मंदिर में पूजा अर्चना करती नजर आई। भारतीय लोकतंत्र का इतिहास रहा है कि सियासी दल वक्त वक्त पर और हालातों के हिसाब से अपनी सोच और रणनीति बदलते रहते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में मिली जीत के बाद शायद बीजेपी को लगा होगा कि कट्टरता के बजाय मध्य मार्गी होने में ज्यादा फायदा है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के टिकट बंटवारे, चुनावी कैंपेन और बड़े नेताओं के अगर आप स्पीच को देखिए तो साफ पता चलता है कि बीजेपी ने अपनी इमेज को लेकर अपनी रणनीति में बदलाव उसी वक्त कर दिया था। वहीं अब जो बयान पश्चिम बंगाल से बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का आया है उससे तस्वीर थोड़ी और साफ हुई है, जिस पर लोग कह रहे हैं कि अब भगवा दल हार्ड कोर हिंदुत्व की ओर लौट रहा है। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब केवल बीजेपी का दिखावा है। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय से कम सपोर्ट मिलने को हार की वजह बताया और नाराजगी जताते हुए कह डाला कि बंगाल में सबका साथ सबका विकास की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें उनके साथ होना चाहिए जो हमारे साथ हैं और अब अल्पसंख्यक मोर्चा की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आया असम के मुख्यमंत्री हेमंत का बयान जिसमें वो असम की डेमोग्राफी का जिक्र करते नजर आए। उन्होंने कहा कि डेमोग्राफी में आया बदलाव मेरे लिए एक बड़ा मुद्दा है। असम में मुस्लिम आबादी आज 40% तक पहुंच गई है जो 1951 में ये 12% के करीब थी। हमने कई जिले खो दिए हैं। ये मेरे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मेरे लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है। इसके पहले भी हेमंता ने कहा था कि नए भारत में मदरसों की जरूरत नहीं है, हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है, हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को बदलना है। हमने असम में 600 मदरसों को बंद कर दिया है और आगे भी सभी मदरसों को बंद करने का इरादा रखते हैं। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में जनसंख्या बढ़ोतरी पर नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर बीजेपी नेताओं के बयानों पर राजनीति गर्मा गई है। जयपुर के हवा महल सीट से बीजेपी विधायक
बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि संतुलन और विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाया जाना चाहिए। बाल मुकुंदाचार्य का एक वीडियो भी इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक समुदाय विशेष में लोगों की 4 बेगम और 36 बच्चे हैं और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। इन सब बयानों को सुनकर समझकर अब ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी सुशासन की ओर न जाकर हिंदुत्व की ओर लौटती दिख रही है। वहीं विपक्ष कह रहा है कि 2014 में भाजपा का हिंदुत्व का एजेंडा फेल रहा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जनता ने बीजेपी के हिंदुत्व को ठेंगा दिखा दिया और आने वाले वक्त में भी हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि देश की जनता अब इस सब से ऊब चुकी है। तो आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो इस खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।